प्योर घी है और प्योर मतलब वो है मटन है okay. जो है बिरिस्ता मतलब वो है और नींबू है और खीरा है, खीरा ये भी घी है, ये मतलब पक्का घी है। अच्छा अच्छा, ये कच्चा घी है, वो कच्चा घी है। ओके ओके ओके, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत डिलीशियस है। हैदराबाद का टेस्ट, यहाँ हैदराबाद का टेस्ट मिल रहा है ना। हाँ एकदम, हैदराबादी हलीम और कोलकाता की जो हलीम होता है, जो खास कर पटना में लोग पसंद करते हैं। दोस्तों तो ये सारा फैमिली पैक है, 360 ml का बॉक्स रहता है वो। दोस्तों अभी इस वक्त हम आए हुए हैं पिस्ता हाउस में, और जैसे कि आप जानते हैं कि पिस्ता हाउस की हलीम बहुत ही फेमस है। पिस्ता हाउस का नाम सुनते ही हमें हैदराबाद पिस्ता हाउस याद आता है, लेकिन अभी इस वक्त हम हैदराबाद नहीं बल्कि पटना में। तो आइए दिखाते हैं आगे के लिए। दोस्तों तो ये सारा फैमिली पैक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हैदराबादी हलीम किस तरह से जो है सब किया जा रहा है। काफी जो है 10 से 12 घंटा वक्त लगता है इसको बनाने में। गेहूं का दलिया, 4-5 तरह के दाल और मटन के साथ इसे बनाया जाता है, और ये पैकिंग के लिए निकाला जा रहा है। ML का बॉक्स रहता है वो। ये सिंगल किसका है? सिंगल दो पैक, दो था इधर मेरे हाथ में, मेरा दो। एक सिंगल किसका है पार्सल? लीजिए, ये डब्बा नहीं, नहीं नहीं, ये डब्बा मत डालिए। मटन हलीम यहाँ पे सर्व हो रहा है कस्टमर के पास जाने के लिए। तो भैया ये क्या आ गया सबसे पहले? मेरे को करे थे मैं 900 रुपए को ऑलरेडी। ये हलीम एक्चुअल इंग्रेडिएंट है आपका, ठीक है? मटन हलीम, ओके। अब इसमें क्या क्या आ गया भाई साहब? ये ग्रीस्ट आएगा, इसमें घी आएगा। अच्छा अच्छा, उसके बाद वो दोस्तों जो बड़े होटल्स होते हैं और जो प्रीमियम होटल्स होते हैं उनकी क्वालिटी और उनकी इन चीजों की बात ही अलग है। पर इतना मैं कहूंगा कि इनका जो क्वालिटी है वो वर्ल्ड क्लास दिख रहा है मुझे। तो इसमें घी आ गया, प्योर घी है। हाँ हाँ, और प्योर मतलब वो है मटन है, इसमें जो है बिरिस्ता मतलब वो है और नींबू है और खीरा है, और फिर असली घी ऊपर से डाल। असली घी है ना ये? ये असली घी है। और ये क्या है? ये वाला खीरा, ये भी घी है, ये मतलब पक्का घी है। अच्छा अच्छा, ये कच्चा घी है, वो कच्चा घी है। ओके ओके ओके, तो ये शिवम जी है और हैदराबाद में थे, और पिस्ता हाउस हैदराबाद से स्टार्ट हुआ है, और हलीम के बारे में अभी बताएंगे क्या प्रोसेस है, नहीं सब पूछते हैं। इसमें प्योर मटन आता, प्योर घी, और जैसे मसालों में साबित मसाले में दालचीनी, ब्लैक पेपर, साजीरा वगैरह वगैरह से आइटम तो, और अपना दाल रहते, 5 टाइप्स के दाल रहते। तो इसका प्रोसेस रहता है 5 to 6 hours को पहले बॉईल किया जाता, उसके बाद इसमें मसाले डाल के उसको थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ दिया जाता, फिर इसके बाद उसको घोटा मारा जाता, यानी कि घोटा मारना। तो उसको मिनिमम इसका 10 hours का वो रहता प्रोसेस रहता है, 10 hours का, उसके बाद ये रेडी होता। उसके बाद यहाँ पे वो सर्व होने के लिए आता, यहाँ पे आता सर्व होने के लिए। आप बताएंगे कि वो घी किस तरह का रहता है? जी बिल्कुल दिखाएंगे। और ये हम आ चुके हैं अंदर, और ये जो अपना घी रहता है प्योर घी रहता है। अच्छा, ये प्योर, आप देख सकते हैं कैसा घी रहता है। क्या बात है, एक ये प्योर घी है प्लस ये दूसरा तीरा रहता है सर। ये कौन सा घी है? ये मसाले का घी रहता है, ये मसाले का रहता है जी। अच्छा, ये मसाले में पकाया हुआ है, ये सर्व होता है। और ये जो है हलीम, ओके ओके, देख सकते हैं दोस्तों कस्टमर के लिए सर्व होने के लिए रेडी हो रहा है। और अभी भी मैंने एक ऑर्डर किया, सबसे पहले इसमें घी आ गया जी, पहले घी आएगा, घी के साथ आप इसको मिक्स करते हो ताकि फ्लेवर बना रहे। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा बेग है, और लगातार 1.5 क्विंटल बता रहे हैं भाई साहब कि एक बार में 1.5 क्विंटल मटन इसके अंदर आ जाता है। सुपर अमेजिंग, इसके अंदर वेट होता है दलिया और मटन और दाल वगैरह भी इसके अंदर। हाँ, 5 टाइप्स के दाल आते हैं इसमें, 5 टाइप्स के दाल। हाँ,
और ये प्योर घी से बनाया जाता है, आप देख सकते हैं कि काफी टाइम इसके पूरा रेडी होने में, पूरा रेडी होने की 9 से 10 घंटा इसे बनाने में लगता है। इसे जो है घोटा जाता है और ये इनका बेस किचन है और आपका ये बेस किचन से बन के आता है। देख सकते हैं कि ये ऊपर से गेस्ट को जो सर्व किया जाएगा, इसीलिए सर्व करने से पहले जो है उसे जो अच्छी तरह से जो है उसको घोट लिया गया, फिर घी डाला गया है, फिर अलग से यहाँ पे सर्विस ऊपर से भी घी डाला जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। और अब ये कस्टमर को सर्व होने जा रहा है। ये सबसे पहले क्या आ गया भाई साहब? ये पहले तीरा आया मसाले वाला। अच्छा, ये प्योर घी आएगा उसके ऊपर। ये अच्छा, ये देसी घी है और पहले मसाले वाला है और ऊपर से ब्राउन प्याज डाला गया है और ऊपर से चॉप किया हुआ और ये लेमन। ये कम्प्लीट हो गया है। हाँ, वो कंप्लीट हो गया। सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया दोस्तों। सर्व करने के लिए जिसको मोस्ट फरमा और ये दोस्तों चलते हैं और टेस्ट करकर जिस तरह से और काम बताते हैं तो यहाँ के हलीम का क्या स्वाद है। ये 350 का है सर। ये अच्छा, ये जो पैकेट है वो ये 350 का है। 350 का आप अगर चाहे तो पैकिंग कर ले जाने के लिए, बहुत अच्छा जो है। और यहाँ के लिए ये सर्विंग के लिए ओनली, सर्विंग के लिए है 200 का। ये एक प्लेट होता है आप देख सकते हैं। और ये अगर पैकिंग के लिए ले जाना चाहते हैं तो बॉक्स बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से पैक होकर के, और ये आपको दिया जाएगा। ये 350 में ये आता है इसमें, और इससे बड़ा पैक है। और ये देख सकते हैं ये फैमिली पैक है। और ये कितने का आता है, इसका कॉस्ट क्या है? इसका 1400 का फैमिली पैक है, 1400 का। और ये गिफ्ट पैक है, देखिए ये 1700 का। ये गिफ्ट पैक है 1700 का। इसमें ग्राम 2 kg के ऊपर आता है। क्या बात है, मटन इसके अंदर 2 kg के लमसम में जो है और ये 2 kg से ऊपर होता है। ये कितने का फैमिली? 2 kg से ऊपर इसके अंदर आता है। 4 to 5 तरह से देखिए, आप यहाँ खाना चाहते हैं तो आपके लिए ये है, और 200 का आप घर ले जाना चाहते हैं सिंगल तो ये है 350 का। और फिर दूसरा ये है, ये कितना बताए थे? ये फैमिली पैक है। अच्छा, ये फैमिली पैक है और ये गिफ्ट पैक है। तो सब कुछ जो आपके पास अवेलेबल, आप चाहे तो यहाँ खा सकते हैं, घर ले जा सकते हैं। और हम भी अभी चलते हैं, टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके फिर आपको बताएंगे कि यहाँ का हलीम कैसा है। वो तो बना रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, आप हलीम खा रहे हैं, कैसा लगा हलीम? बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत डिलीशियस है। अच्छा, ये हैदराबाद का टेस्ट, यहाँ हैदराबाद का टेस्ट मिल रहा है ना? हाँ एकदम। थैंक यू सर। ये हमारा हलीम आ चुका है और आइए दोस्तों टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके फिर हम बताते हैं। और नहीं रहे हो? बहुत अच्छा है, स्वाद बहुत अच्छा है। और ये ऑथेंटिक हैदराबादी हलीम आप देख सकते हैं। ये 200 रुपये का है और वाकई 200 क्या है तो इसमें बुरा नहीं है, अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा है। हैदराबादी हलीम और कोलकाता की जो हलीम होता है, जो खासकर पटना में लोग पसंद करते हैं, पता ये होता है इसमें दाल होती है तो पतली होती है, वो स्पून के साथ सूप की तरह आप पी सकते हैं। लेकिन ये इसमें जो है, क्योंकि इसके अंदर गेहूं का दलिया ज़्यादा यूज़ किया जाता है और दाल बहुत कम यूज़ किया जाता है, इसीलिए जो है। और ये लेकिन स्वाद बहुत अच्छा है, हर बाइट में आपको मटन मिलेगा।